हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के वीडियो में हम पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब समझने वाले हैं। ये पांच वर्ड्स हैं एंड, ओन, लेग, हॉप और स्टार्ट। इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब समझने के बाद हम उसको एग्जांपल सेंटेंसेस में यूज करेंगे। इससे आपको उसका प्रैक्टिकल यूज पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है एंड। एंड का हिंदी में मतलब होता है समाप्त होना या खत्म होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है समाप्त होना या खत्म होना, तो वहां पर आप एंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द शो एंडेड एट 2 PM, यानी शो दोपहर 2 बजे समाप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, ऑन व्हाट डे विल दिस मंथ एंड, मतलब ये महीना किस दिन खत्म होगा। तीसरा एग्जाम्पल, आई वॉज वेटिंग फॉर द मूवी टू एंड, यानी मैं फिल्म के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। चौथा एग्जाम्पल, द मीटिंग एंडेड जस्ट नाउ, मतलब मीटिंग अभी खत्म हुआ। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो लेट्स एंड दिस डिबेट, यानी चलिए इस बहस को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, एंड शब्द का दूसरा मतलब होता है सिरा या छोर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है सिरा या छोर, तो उस केस में भी एंड शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, टाई द अदर एंड ऑफ दिस रोप टू द ट्री, यानी इस रस्सी के दूसरे सिरे को पेड़ से बांध दे। दूसरा एग्जांपल, ही टाइड द अदर एंड ऑफ द क्लोथ टू हिज टो, मतलब उसने कपड़े के दूसरे सिरे को अपने पैर के अंगूठे से बांध दिया। तीसरा एग्जांपल, द फर्स्ट टीम हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड आवर टीम हेल्ड द अदर एंड, यानी पहली टीम ने रस्सी के एक छोर को पकड़ रखा था और हमारी टीम ने दूसरी छोर को पकड़ रखा था। चौथा एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक लूज एंड्स, मतलब मुझे ढीले सिरे पसंद नहीं है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई एम टाइंग अप सम लूज एंड्स, यानी मैं कुछ ढीले छोरों को बांध रहा हूँ। फ्रेंड्स, एंड शब्द का दूसरा मतलब होता है अंत या मृत्यु। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है अंत या मृत्यु, तो उस केस में भी आप एंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही रियलाइज्ड दैट हिज एंड वाज नियर, यानी उसने महसूस किया कि उसका अंत निकट है। दूसरा एग्जांपल, ही मेट हिज एंड इन द जेल, मतलब उसका अंत जेल में हुआ था। फ्रेंड्स, एंड शब्द का चौथा मतलब होता है खत्म करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है खत्म करना, तो उस केस में भी एंड शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, वी शुड एंड दिस वायलेंस, यानी हमें इस हिंसा को खत्म करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, पुट एन एंड टू व्हाट यू आर डूइंग, मतलब तुम जो कर रहे हो उसे खत्म करो। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ओन। ओन का हिंदी में मतलब होता है अपना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है अपना, तो वहां पर आप ओन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई वेंट देयर ऑन माय ओन व्हीकल, यानी मैं वहां अपने वाहन पर गया था। दूसरा एग्जांपल, आई डिड दैट जॉब ऑन माय ओन, मतलब मैंने वो काम अपने दम पर किया। तीसरा एग्जांपल, ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद हिज ओन पीपल, यानी उसने अपने लोगों के साथ समस्या पर चर्चा की। चौथा एग्जाम्पल, दे कांट हैंडल देयर ओन चिल्ड्रन, मतलब वे अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई हैव माई ओन रूम, यानी मेरे पास मेरा अपना कमरा है। फ्रेंड्स, ओन शब्द का दूसरा मतलब होता है खुद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है खुद, तो वहां पर भी ओन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई यूज्ड टू डिजाइन माय ओन क्लोथ्स, यानी मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन करता था। दूसरा एग्जांपल, आई रन माय ओन बिजनेस, मतलब मैं अपना खुद का बिजनेस चलाता हूँ। फ्रेंड्स, ओन शब्द का तीसरा मतलब होता है मालिक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है मालिक, तो वहां पर भी ओन शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ओन दिस प्लेस, यानी मैं इस जगह का मालिक हूँ। दूसरा एग्जांपल, हिज फादर ओन्स अ रेस्टोरेंट, मतलब उनके पिता एक रेस्टोरेंट के मालिक है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है लेग। लेग का हिंदी में मतलब होता है पैर।
तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है पैर तो वहां पर आप लेग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, माय लेग इज पेनिंग बैडली, यानी मेरा पैर बुरी तरह से दर्द कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, यू नीड टू हैव स्ट्रांग लेग्स टू प्ले फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलने के लिए आपके पैर मजबूत होने चाहिए। तीसरा एग्जांपल, ही हर्ट हिज लेग, यानी उनके पैर में चोट लगी। चौथा एग्जांपल, अ डॉग बिट हर लेग, मतलब एक कुत्ते ने उसके पैर पर काटा। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, आई एम नॉट एबल टू फील माय लेग्स, यानी मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। फ्रेंड्स, लेग शब्द का दूसरा मतलब होता है कोई टेबल, चेयर या किसी चीज को जो सपोर्ट करता हो। तो कोई टेबल, चेयर या किसी चीज को जो सपोर्ट करता हो तो उसे भी हम लेगी कहते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द टेबल इज स्टैंडिंग ऑन थ्री लेग्स, यानी टेबल तीन पैरों पर खड़ी है। फ्रेंड्स, लेग शब्द का तीसरा मतलब होता है किसी यात्रा या काम का एक छोटा भाग। अगर मुझे उसे एक शब्द में बोलना है तो वो हो सकता है चरण। तो अगर हमें किसी यात्रा या किसी काम के एक छोटे भाग को बोलना है या हमें बोलना है चरण, तो उस केस में भी हम लेग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वी रीच्ड द लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी, यानी हम अपनी यात्रा के अंतिम चरम में पहुंच गए। दूसरा एग्जाम्पल, दे रीच्ड द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रोजेक्ट, मतलब वे अपने प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में पहुंच गए। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है हॉप। हॉप का इंग्लिश में मतलब होता है कूदना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कूदना तो वहां पर आप हॉप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, फ्रॉग्स वॉक बाय हॉपिंग, यानी मेढक कूद कर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल, द रैबिट हॉप्ड ऑन टू द चेयर, मतलब खरगोश कुर्सी पर कूद कर बैठा। तीसरा एग्जांपल, ही हॉप्ड क्विकली एंड वन द फर्स्ट प्राइज, यानी वो जल्दी जल्दी कूदा और पहला पुरस्कार जीता। चौथा एग्जाम्पल, द फ्रॉग हॉप्ड ऑन टू द डॉग्स हेड, मतलब मेढक कुत्ते के सिर पर कूद कर बैठा। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दू तो, द पार्टिसिपेंट्स वर रिक्वायर्ड टू हॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी प्रतिभागियों को एक छोर से दूसरे छोर कूद कर जाना था। फ्रेंड्स, हॉप शब्द का दूसरा मतलब होता है एक पाव पर धीरे से कूद कर जाना। तो अगर आपको इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलना है जहां पर कोई व्यक्ति एक पाव पर धीरे से कूद कर जाता है तो वहां पर भी हॉप शब्द का इस्तेमाल होता है। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, टॉम हॉप्ड इन द ड्राइवर सीट, यानी टॉम ड्राइवर की सीट में धीरे से कूद कर बैठा। दूसरा एग्जांपल, ही हॉप्ड इनटू द कार एंड पुट इट इन गियर, मतलब वो धीरे से कूद कर कार में बैठा और उसे गियर में डाल दिया। फ्रेंड्स, हॉप शब्द का तीसरा मतलब होता है किसी के ऊपर से कूदना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है किसी चीज के ऊपर से कूदना तो वहां पर भी हॉप शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसे दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, द काउ हॉप्ड ओवर द फेंस, यानी गाय बाड़ के ऊपर से कूद गई। दूसरा एग्जांपल, द प्लेयर हॉप्ड ओवर द ऑब्स्टेकल, मतलब खिलाड़ी बाधा के ऊपर से कूदा। फ्रेंड्स, हमने इन दोनों एग्जांपल्स में शब्द इस्तेमाल किया है हॉप्ड, जो हॉप शब्द का भूतकाल होता है। अब क्योंकि ये सेंटेंस भूतकाल में है तो हमें जो शब्द हम लगाते हैं उसका भी भूतकाल ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है हॉप्ड। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है स्टार्ट। स्टार्ट शब्द का हिंदी में मतलब होता है शुरू होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है शुरू होना तो वहां पर आप स्टार्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द मूवी हैज स्टार्टेड, यानी फिल्म शुरू हो गई है। दूसरा एग्जांपल, व्हेन विल द मैच स्टार्ट, मतलब मैच कब शुरू होगा। तीसरा एग्जांपल, द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 7:30, यानी कार्यक्रम 7:30 बजे शुरू हुआ। चौथा एग्जाम्पल, कैन वी स्टार्ट, मतलब क्या हम शुरू कर सकते हैं। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, स्टार्ट द कार, यानी कार स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, स्टार्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है शुरुआत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है शुरुआत तो वहां पर भी स्टार्ट शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। द डायरेक्टर स्टार्टेड द शो बाय लाइटिंग अ लैम्प, यानी डायरेक्टर ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दूसरा एग्जांपल, द रेफरी स्टार्टेड द मैच बाय ब्लोइंग द विसल, मतलब रेफरी ने सीटी बजाकर मैच की शुरुआत की।
तो फ्रेंड्स, ये तो थे इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब और उसके सेंटेंस एग्जांपल्स। अब आइए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉम फेल एंड हर्ट हिज डैश, यानी टॉम गिर गया और उसके डैश में चोट लगी। तो यह शब्द लगेगा लेग, टॉम फेल एंड हर्ट हिज लेग, टॉम गिर गया और उसके पैर में चोट लगी। दूसरा क्वेश्चन, द फ्रॉग डैश एंड सैट ऑन हिज लैप, मतलब मेढक डैश और उसकी गोद में बैठ गया। तो यह शब्द लगेगा हॉप्ड, द फ्रॉग हॉप्ड एंड सैट ऑन हिज लैप, मेढक कूदा और उसकी गोद में बैठ गया। फ्रेंड्स, हमने यह शब्द इस्तेमाल किया है हॉप्ड, जो हॉप शब्द का भूतकाल है। तीसरा क्वेश्चन, फॉर सम रीजन द प्रोग्राम डिडंट डैश एट 10, यानी किसी कारण से कार्यक्रम 10 बजे से डैश नहीं हुआ। तो यह शब्द लगेगा स्टार्ट, फॉर सम रीजन द प्रोग्राम डिडंट स्टार्ट एट 10, किसी कारण से कार्यक्रम 10 बजे से शुरू नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन, आई वर्क ऑन माई डैश, मतलब मैं डैश दम पर काम करता हूँ। तो यह शब्द लगेगा ओन, आई वर्क ऑन माई ओन, मैं अपने दम पर काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन, हिज करियर डैश एट द एज ऑफ 60, यानी उनका करियर 60 साल की उम्र में डैश हुआ। तो यह शब्द लगेगा ended, his career ended at the age of 60, उनका करियर 60 साल की उम्र में खत्म हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने एंड शब्द का भूतकाल लगाया है और वो होता है ended। अगला क्वेश्चन, he picked up the ball using his dash, मतलब उन्होंने अपने डैश का इस्तेमाल करके गेंद को उठाया। तो यह शब्द लगेगा leg, he picked up the ball using his leg, उन्होंने अपने पैर का इस्तेमाल करके गेंद को उठाया। सातवां क्वेश्चन, the rabbit dashed into the basket, यानी खरगोश टोकरी के अंदर डैश गया। तो यह शब्द लगेगा hopped, the rabbit hopped into the basket, खरगोश टोकरी के अंदर कूद गया। अगला क्वेश्चन, his dash friends helped him to succeed, मतलब उनके डैश दोस्तों ने उन्हें सफल होने में मदद की। तो यह शब्द लगेगा own, his own friends helped him to succeed, उनके अपने दोस्तों ने उन्हें सफल होने में मदद की। अगला क्वेश्चन, I want this movie to dash because it is very boring, यानी मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म डैश हो क्योंकि ये बहुत उबाऊ है। तो यह शब्द लगेगा end, I want this movie to end because it is very boring, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म खत्म हो क्योंकि ये बहुत उबाऊ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, why haven't you dash yet, मतलब आपने अभी तक डैश क्यों नहीं की। तो यह शब्द लगेगा started, why haven't you started yet, आपने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पांच इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये पांच वर्ड्स थे end, own, leg, hop और start। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस वीडियो को और कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर आप मेरे वीडियोस के फीचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तब तक आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।